नमस्कार, लाइव टाइम स्ट्रीम में आप सभी का स्वागत। मैं मनोज ठाकुर, हमारे साथ निशांत सूद और निशांत शर्मा। इस समय पर सेब मंडी सोलन से हम सीधे आपके बीच में लाइव है और बहुत कम लोगों को अभी इस बात की जानकारी है, तो ये जानकारी देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि त्योहारी सीजन है और आप अपनी स्क्रीन पर अभी प्याज का पूरा जो है वो ट्रक देख पा रहे हैं और यहाँ पर प्याज तोला भी जा रहा है, लोगों को दिया भी जा रहा है। ये पूरी की पूरी जानकारी हम आपके साथ एक एक करके साझा यहाँ पर करने वाले हैं कि अल्टीमेटली ये क्या हो रहा है। आपको पता होगा, मालूमात होगा कि NSCF द्वारा यहाँ पर ये एक प्रोग्राम के तहत 25 रुपए किलो के हिसाब से प्याज दिया जा रहा है। इस समय पर मार्केट में प्याज के रेट की अगर हम बात करें तो 80 से 100 रुपए के बीच में ये फ्लक्चुएट हो रहा है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको ये बता देना चाहेंगे कि 25 रुपए किलो के हिसाब से, प्रति किलो के हिसाब से यहाँ पर मिल रहा है और एक कार्ड पर 2 किलो की ये लिमिट यहाँ पर रखी गई है। और साथ ही में आपके फैमिली मेंबर्स जितने भी हैं वो अपना आधार कार्ड लेकर के आए, आधार कार्ड लाओ, आधार कार्ड दिखाओ और प्याज पाओ। ये एक हम कह सकते हैं नई ही स्कीम्स काइंड ऑफ थिंग यहाँ पर निकल करके सामने आई है। मैं आपको ये पोस्टर जरूर दिखा देना चाहूंगा। ये NCCF यानी कि नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर आती है, ये किसानों एवं उपभोक्ताओं को लाभ दे रहे हैं। प्याज की कीमतों पर नियंत्रण 25 रुपए प्रति किलो के हिसाब से ये दिया जा रहा है और जो ये बड़ा ट्रक है ये लगभग 24 टन के आसपास की सप्लाई पहुंची है। यहाँ पर 2 ट्रक्स बताए जा रहे हैं कि पहुंचे हैं और ये जो छोटा ट्रक है सोलन से होते हुए ये यहाँ से छोटे छोटे ट्रक्स में निकल जाएगा शिमला के लिए, रामपुर के लिए और अपर हिमाचल प्रदेश की तरफ ये जाएगा जहां पर लोगों को ये फायदा दिया जाएगा। लोगों को ये पता नहीं है कि समय सारणी क्या है और कब वो आएंगे। 9 बजे से, सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक आप आ सकते हैं। एक बार फिर से कह देना चाहूंगा, आधार कार्ड आप दिखाएंगे तो आपको एक आधार कार्ड पर 2 किलो प्याज मिलेगा और यदि आपके परिवार में 25 घर वाले हैं, ये यहीं से हमारी जानकारी यहाँ पर मिली है, तो 25 के आएंगे तो उनको प्रति कार्ड पर 2 किलो के हिसाब से प्याज मिलेगा, यानी कि 50 किलो प्याज मिल जाएगा। और ये एक अच्छी भी बात है, पहले इस तरह की चीज़ सामने आ रही थी कि भी सिर्फ 4 कार्ड पर ही मिल पाएगा, लेकिन जिनकी बड़ी फैमिली है उनमें डेफिनेटली जब तड़का लगेगा तो ज़्यादा लगेगा, तो उसमें प्याज जो है वो ज़्यादा चाहिए होगा। तो यहाँ पर कांटा है, आधार कार्ड आप दिखाएंगे, वहाँ पर कुछ ऑफिशियल्स बैठे हुए हैं जो इन सब चीज़ों का ध्यान यहाँ पर रख रहे हैं। आधार कार्ड की एंट्री हो रही है, उसके बाद फिर जो है वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को नजर आ रही है और फिर प्याज यहाँ पर दिया जा रहा है। आइए अभी इनसे हम बातचीत भी कर लेते हैं कि किस हिसाब से ये पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। सर, लाइव टाइम स्ट्रीम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कब से ये प्याज की यहाँ पर जो है वो खरीद की जा रही है, कब से दिया जा रहा है? कल से दिया जा रहा है, ये सुबह 9 बजे से, कल से ना। अच्छा, तो थोड़ी सी डिटेल्स बताइए किस हिसाब से मिलेगा, क्या करना होगा यदि किसी को प्याज खरीदना, क्या प्रोसेस है पूरा? हम एक आधार कार्ड पे 2 किलो दे रहे हैं, तो कल तो हम 4 ही लोगों को दे रहे थे, अब कई लोग ज्यादा ज्यादा की लिस्ट ला रहे हैं, कहते हैं हमारा बड़ा परिवार है, ज्वाइंट फैमिली, दे रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं मना किसी को। कितना प्याज अभी पीछे से आया है और सुनने में आया कि आगे भी सप्लाई जा रही है, तो कहाँ कहाँ सप्लाई? शिमला जा रही है, गाड़ी अभी भेज दिया हमने, छोटी गाड़ियों में डाल रहे हैं ना, जैसे ये गाड़ी खड़ी है अभी 40 कट्टे भेजे थे, अभी इसमें भेज रहे हैं, अभी छोटी छोटी गाड़ियों में दाएं बाएं भेज रहे हैं हम शिमला और इस सोलन के आसपास के इलाकों में, तो ये खत्म करेंगे ये जितना प्याज आया है हमारे पास। NCCF की तरफ से कितना आया अभी तक? 31,000 किलो आया रिटेल के लिए। अच्छा। वैसे तो उनकी तरफ से काफी प्याज आया जो हमने होलसेल में बेचा है, लेकिन होलसेल में महंगा बिकता है क्योंकि उसमें बिडिंग के हिसाब से ही बिकता है, मार्केट के हिसाब से, जैसे दिल्ली में कैसा बाजार है और सब जगह, लेकिन रिटेल में तो इनकी तरफ से फिक्स है कि 25 रुपए ही बेचना है, तो फिर हम 25 रुपए ही बेच रहे हैं। क्या पहले भी इस तरह का कुछ था या नया इनिशिएटिव यहाँ पर? ये तो मैंने पेपर में पढ़ा था कोई 4-5 दिन पहले, ये कैबिनेट की उनके मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए 25 रुपए के लिए, इससे कीमतों पे भी नियंत्रण लगेगा जो बढ़ गई हैं। वैसे ये टेम्परेरी बढ़िया है, मेरे ख्याल से 10-15 दिन का डिले हुआ है नई फसल आने में, आ तो गई है नई फसलें पर वो पूरे जोर से नहीं आई हैं, मेरे को लगता है दिवाली के बाद ये रेट कम हो जाएंगे। किस हिसाब से लोग आ रहे हैं, खूब बढ़ चढ़ करके आ रहे हैं अभी? सुबह से बहुत आ रहे हैं जी, ये तो अभी लंच यहाँ उठने का समय नहीं होता, बस भीड़ लगी रहती है। अच्छा, समय सारणी आपने बताई सुबह 9 से? 9 से 4:30 बजे तक करते हैं क्योंकि हिसाब भी करना होता है हमने, फिर टोटल कितना हो गया है, तो 4:30 बजे तक। पिछले कल कितने लोग थे अगर आइडिया लगभग?
पिछले दिन काफी लोग, आधार कार्डों की संख्या में बताऊं तो ये कोई 1500-1600 आधार कार्ड थे कल। 1500-1600 हाँ, आज मेरे को लगता है बढ़ी ना जाए कहीं 2500-3000 के आस हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, थैंक यू सो मच। तो ये यहाँ पर जनाब हमें बता रहे हैं कि पिछले कल लगभग 1500 कार्ड्स यहाँ पर आए थे और आज ये आंकड़ा बढ़ जाएगा। यहाँ पर लंबे लंबे लाइंस है और यहाँ से बाइफिकेशन की जा रही है और डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पर जो है वो इसको किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं एक बड़ा जो ट्रक है, एक जो ट्राला है, ये कितना टायरी होगा, मेरे ख्याल से 16 या 18 टायरी है, ये यहाँ पर पहुँच रहा है और इसके माध्यम से ये प्याज जो है वो अब लोगों को आगे डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। 31,000 केजी के आसपास का ये आंकड़ा यहाँ पर बताया जा रहा है कि इतना प्याज जो है वो हमारे पास यहाँ पर पहुँचा है। सारी चीज़ें ये रही है, लाइव टाइम्स टीवी का ध्येय ये कि हम आपको बताएं कि आखिरकार क्या हो रहा है शहर में। और कल हमने आपको खबर बताई थी तो आज हमारा ये मोटो बन जाता है, लक्ष्य बन जाता है कि हम आप तक ये मैसेज पहुंचाएं, ये जानकारी यहाँ पर साझा करें कि भाई किस तरह से ये दिया जा रहा है और क्या कुछ पूरी चीज़ें। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी थोड़ी सी बातचीत हम यहाँ पर ज़रूर करना चाहेंगे कि भाई उनका क्या कहना है इस ये जो प्याज यहाँ पर दिया जा रहा है। तो जी हाँ, ये हमारे बीच में कुछ लोकल्स यहाँ पर है। भाई साहब आपका नाम? सोमराज जी, एक आधार कार्ड पे 2 किलो दिया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? ठीक है, बढ़िया है सर, ये होना चाहिए था, जरूरी था। वैसे तो महंगाई के तौर पे तो ठीक ही है। क्या प्याज तक ही या फिर और भी सब भी होना चाहिए? तो ये जो प्याज के लिए लिया गया फैसला, इसे किस तरह से देखते हैं? ये तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। शाबाश देना चाहेंगे गवर्नमेंट को, शाबाश क्या है इसमें, तो शाबाश की तो बनता है, उनका फर्ज बनता है। हाँ बिल्कुल, भाई साहब ने पता की बात की। आइए इधर, भाई साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन आ रहा है, ये इलेक्शन से अब याद यहाँ पर आया, आपको याद होगा यहाँ पर प्याज के कारण ही एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी गिरी थी। ये सुषमा स्वराज जी के समय की बात है, जब महंगाई चरम पर थी, प्याज का दाम चरम पर था, तो उस समय पर सरकारें गिर गई थी। तो प्याज सरकार बनाता भी है और गिरा भी देता है, और वैसे भी अब इलेक्शंस आगे आने वाले हैं तो डेफिनेटली उन चीज़ों को भी सरकार ने जहन में रखा होगा और एक जो वेलफेयर स्टेट का जो चीज़ रहती है वो भी जहन में जरूर रही होगी, जिसे हम कह सकते हैं कि एक तीर से दो निशाने। तो इसमें तो हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की इंटेलिजेंस है जो ये इस समय पर त्योहारी सीजन पर बढ़िया काम किया। आइए सर, आपका नाम? जगदीश कुमार सिंह। जगदीश जी, कल से आप यहाँ पर है? जी। कल 1500 के आसपास आए हैं, लोगों में उत्साह है खरीदने को लेकर? जी, लाइन टूटी नहीं, आप देख रहे हैं, जिनको भी पता चल रहा है वो तुरंत आ रहा है। क्या आपको कैसा लगता है कि किस तरह का फैसला रहा है ये सरकार? एक्चुअली ऐसा है कि जैसे पता होता है कि दिवाली आई, श्राद्धों में नवरात्रों में प्याज जो था 25-30 से नीचे था, 28 था, तो एकदम से उछाल सीधा 70-80 पहुंच गया। तो ये भारत सरकार का एक पहले से ही निर्णय है कि जब प्याज कोई नहीं खरीदता तो सरकार अपने पास स्टोर जो है एनएसएस के स्टोर खरीद लेती है, और अगर उछालने की बात आए, जैसे स्टोर पहले करते थे और अपने मनमर्जी भाव बेचते थे, उसको रोकने के लिए जो प्रयास है सरकार का है तो बहुत अच्छा प्रयास है। आप भी देख रहे हैं कि एकदम से 100 से पार नहीं जाएगा, तो ये अब जब मार्केट में 25 रुपए किलो मिल रहा है तो जाहिर सी बात है कि अब 2-3 दिन में जैसे भी अदर राज्य में जहाँ से प्याज की आवक बढ़ी है वहाँ आज देखा होगा आपने 40-45 आ गया, जबकि वो 60-65 पहुंच चुका था। अब हाँ जी, इससे तो रेट जो है ऊपर नहीं जाएंगे। जनाब क्या ये सिर्फ प्याज तक ही सीमित होना चाहिए, कुछ और चीजों पे भी होना चाहिए? ये प्याज पे है, वैसे पकड़ तो हर एक चीज पे है, निगरानी हर एक चीज पे है, पर हमें पता नहीं चलता, हर एक चीज पे निगरानी है इस टाइम। किसी भी चीज को स्टोर करके आप मन मर्जी के भाव नहीं बेच सकते, हर एक चीज पे है, गार्लिक है उनमें भी हर एक चीज पे बाजार की पूरी पकड़ है, सरकार की पूरी पकड़ है कि सीधे 100 रुपए या 10 रुपए वाली चीज सीधे 300 बेच दी जाए, उसमें सारा कंट्रोल है। बिल्कुल सही, उन्होंने देखिए बिल्कुल फैक्ट वाली यहाँ पर बात कही है। ऐसा अमूमन सरकारें करती है कि स्टोरेज कर लेती है और जब प्राइसेस आउट ऑफ कंट्रोल चले जाते हैं तो फिर उनको कंट्रोल में करने के लिए मार्केट में सप्लाई की जाती है, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है। और अब जब सप्लाई यहाँ पर सरकार की तरफ से हुई है तो अल्टीमेटली जो होलसेल से या अन्य जगहों से जो प्याज खरीदा जाएगा उसकी डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो डेफिनेटली रेट्स भी डाउन होंगे। यदि ये एक तरह से हम कह सकते हैं फिलर सरकार के द्वारा यहाँ पर भरा गया है, हालांकि ये यहाँ पर पक्ष सदैव हम जो है वो डेफिनेटली रखेंगे। हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं करसोग के लिए, हमारे से कमेंट में पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं ये भी हम देखना चाहेंगे। करसोग के लिए भी भेज दो, यहाँ पर 80-90 दे रहे हैं। देखिए शिमला में तो आपको मिल जाएगा जी, ये तो मैं बता दूँ, यहाँ पर शिमला में या अदर जगहों के लिए भेज दिया गया है, 2 गाड़ियाँ भेज दी गई है। करसोग के लिए भी भेजा गया क्या?
कर शिमला में और रामपुर रोडू पहले शिमला तक ये जा रहा है, उसके बाद फिर आगे सप्लाई जो है वो की जाएगी। ये सोलन से हम सीधी तस्वीरें अभी आपको दिखा रहे हैं, सोलन से तस्वीरें दिखा रहे हैं। जनाब आपका नाम? जतिन। जतिन जी क्या कहेंगे आप, बड़ा ट्रक यहाँ पर पहुंचा है, कहाँ कहाँ भेज रहे हैं? शिमला भेज दिया है, अन्य जगहों पर भी जाएगा? ये NCCF का प्याज है जी, और ये हम बस इसके एक टाइप से सेलर है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, इट्स टोटली अ कोऑपरेटिव गवर्नमेंट एंटिटी, ठीक है। और हमें उन्होंने जो रेट बोला है 25 रुपए किलो, वो भाव बेच रहे हैं, हम बस उनकी हेल्प कर रहे हैं, बिकॉज हमने उनका काफी प्याज बेचा टू कंटेन दी प्राइसेस ना ऑल ओवर अक्रॉस, मतलब पूरे इंडिया में बिक रहा है NCCF का प्याज। कितने दिनों तक ये अभी चलने वाला है? जब तक सरकार को लगेगा कि वो प्राइसेस को कंटेन करना चाह रहे हैं, क्योंकि ऐसा है कि अब अलवर राजस्थान में फसल शुरू हो चुकी है, आज 5000 कट्टा आया है दिल्ली उनका, 5300 से 5000 कट्टा, तो प्रोबेबिलिटी ये है कि दिवाली तक प्राइसेस को ढंग से कंटेन कर लिया जाएगा। और NCCF के पास एक बहुत बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, जिसके अंदर मतलब आप मान के चलो काफी सारी FPOs आती है, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन, जो मध्य प्रदेश में हो गए, गुजरात में हो गए, महाराष्ट्र में हो गए, राजस्थान में हो गए। इसके बाद अब मेरा तो ये मानना है कि दिवाली तक थोड़ा डाउन हो जाएगा प्याज, डाउन हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने। ये तो गवर्नमेंट का एक बस ऐसा है कि सोशल वेलफेयर टाइप का है कि 25 रुपए किलो बिक रहा है, नहीं तो आज भी दिल्ली में जो बाजार है वो 1600, 1800, 2100 रुपए मन तक बिका है प्याज, 20 तक बिका है प्याज, पुराना प्याज अलग, नया प्याज 52 से 55 बिका है। कौन सा वाला ये नया पुराना? ये स्टोर्ड प्याज है जी, पुराना प्याज है ये, स्टोर्ड प्याज है ये। गवर्नमेंट ने FPO से जब 5-6 महीने पहले जो रेट था उन रेट लिया होगा किसानों से, और उसके बाद आप ये उनको पड़ता है तो अभी 25 का बेच रहे हैं। बाकी ये नासिक का जो गुड क्वालिटी प्याज है वो तो एक्सपोर्ट हो रहा है, मिडिल ईस्ट जा रहा है, दुबई, UAE, बाकी ये कैसी क्वालिटी है यहाँ पर? ये जो क्वालिटी है ये बढ़िया 45 mm प्याज है, मतलब जो इसकी ग्रेडिंग है 45 mm की है, कोई भी प्याज आपको 45 mm से कम के साइज का नहीं मिलेगा। हाँ थोड़ा इसका छिलका ऊपर नीचे हो सकता है, बट फॉर द टाइमिंग ये आजकल मतलब वर्स्ट केस सिनेरियो में द बेस्ट है, द बेस्ट है। थैंक यू सो मच बातचीत करने के लिए। अभी मैं मनोज ठाकुर लेना चाहूंगा आपसे इजाजत, सुबह 9 से 5 बजे तक आप सोलन सब्जी मंडी आ सकते हैं, शिमला के लिए भी ये भेज दिया जा चुका है और आगे भी इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। अभी मैं लेता हूं आपसे इजाजत, देखते रहिए लाइव टाइम टीवी फॉर्चुनेस्ट बोरिंग। इस लाइव स्ट्रीम पर हमारा साथ दिया निशांत सूद जी ने, निशांत शर्मा जी ने, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।